हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है क्या? आप राशन कार्ड बनाने के लिए इच्छुक हैं क्या? आप राशन कार्ड कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में जानना चाहते हैं क्या? आप राशन कार्ड बनाने के लिए सोच रहे हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि राशन कार्ड किस तरीके से अप्लाई किया जाता है या राशन कार्ड बनाने में क्या क्या प्रोसेस है, इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये कितने दिन में बन के आता है। ये कंप्लीट वीडियो राशन कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बगल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। चलिए सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ अली, आपका दोस्त टेक्निकल टैक्स में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें। क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद aha.jharkhand.gov.in पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पोर्टल शुरू होगा जिसमें लिखा है वेलकम टू आहार पोर्टल। जी हाँ, वेलकम टू आहार पोर्टल। आहार पोर्टल में जाने के बाद मेनू पे जाएंगे। मेनू पे यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन सेवा पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सेवा क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करने के बाद आपको इतना सारा नोटिफिकेशन शो हो रहा है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं वो जानिए। इसमें डीलर का नाम बदलना या डीलर बदलना, नाम सुधार करना, नाम हटाना, नाम जोड़ना, मोबाइल नंबर अपडेट करना। और जी हाँ, ये जो नाम सुधारना का जो ऑप्शन दिया गया है इसको तो आप भर लीजिएगा ऑनलाइन, लेकिन इसका अप्रूवल जिला प्राधिकारी के द्वारा ही संभव है, यानी कि BSO के द्वारा। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है कार्ड का प्रकार बदलना। छठे नंबर पे मोबाइल नंबर अपना सुधार कराना या फिर चेंज करना। सातवें नंबर पे है यूआईडी में सुधार करना या नाम यूआईडी बदलना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे, अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इंटरफेस शो होगा। इस पे आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपके सामने फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म खुलेगा। आपको ये सही देख के फिल करना है, ठीक है। इस पे नाम, आपका नाम, अपना नाम पूरा फिल करें, सही फिल करें। अपना नाम फिल करने के बाद अपना पिता का नाम, माता का नाम, आपका उम्र, आपका लिंग, आपका पता, सारा कुछ अपडेट करें। आधार कार्ड सबमिट करने आगे आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर आप ओके करते हैं तो आपका ये जो आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म है ये अप्रूवल हो जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा और फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग को फिलहाल ओके करना है। ओके हम लोग करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर शो किया है और आपने जो फिल किया है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो एक्नॉलेजमेंट नंबर से राशन कार्ड कैसे सर्च करेंगे या उस एक्नॉलेजमेंट नंबर पे राशन कार्ड बना है कि नहीं बना, वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। राशन कार्ड किन किन को लाभ मिल सकता है? तो जो जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है, जो किसी भी सरकारी कार्य में नहीं है, उनको इनका लाभ दिया जाएगा। वृद्धा को, विधवा को, और जो निजी कार्यों में करते हैं, जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं, जैसे दुकानदार हो गया, बनिया हो गया, मोची हो गया, धोबी हो गया, दर्जी हो गया, और भी बहुत सारे लोग जो विकलांग को भी इनका लाभ मिल सकेगा। और इसमें किन किन के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है मैं आपको बता रहा हूँ। होल्डिंग रसीद, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक।
ये सारा कुछ लेकर के DSO पे जाएंगे और वहाँ पे सबमिट कर देंगे और ये आपका 2 महीने के अंदर में राशन कार्ड बन के आ जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।